तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर साबुको वहाँ पे आ चुके होते हैं और उन्हें जापान का सबसे खतरनाक स्वॉर्डमैन भी कहा जाता है। तो वही तोकुगावा साबुको से पूछते हैं, वैसे ये बताओ कि तुम्हारा आज का दिन कैसे गया। तो साबुको बताता है, आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये पर्सन कौन है। मगर तभी हम देखते कि मुसाशी इमेजिनरी तलवार से साबुको के चेहरे पे एक कट मार देता है, जिसे महसूस करने के बाद साबुको के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते कि अभी क्या हुआ है। तो अब तोकुगावा मुसाशी को बताते हैं कि साबुको जापान के 9th लेवल के तलवारबाज है, पर वही तोकुगावा की ये बातें मुसाशी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो वही तोकुगावा ये समझ जाता है कि मुसाशी को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। फिर वो समझाता है, 9th लेवल एक ऐसा नंबर है जो उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपने फाइटिंग स्किल्स में बेस्ट होते हैं, और वही देखा जाए तो हम आपको किसी भी लेवल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये भी मानता हूँ कि पूरे जापान में आपके जैसा कोई नहीं होगा, पर वही हम साबुको को देखते हैं जो मुसाशी की तारीफें सुन के अंदर ही अंदर जर रहा होता है, क्योंकि उसे अब भी नहीं पता होता कि उसके सामने जो खड़ा पर्सन है वह कौन है। पर वही हम देखते कि मुसाशी के इमेजिनरी कट्स साबुको को अभी भी पड़ रहे होते हैं। तो वही तोकुगावा साबुको को देख के कहता है, ओए तुम्हारे बदन से इतना पसीना क्यों टपक रहा है। वही साबुको कहता है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो पर्सन है ये कौन है। तो तोकुगावा कहता है, ये बात तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन बाद में मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। अब वही आगे साबुको कहता है, मुझे माफ कर देना तोकुगावा, आप मेरी फाइटिंग स्किल को जैसे समझ रहे थे वैसी मेरी स्किल नहीं है, मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है, साबुको तुम इतने जल्दी यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। फिर वही साबुको तोकुगावा को बताते हैं कि उन्हें अपनी फाइटिंग स्किल पे यकीन क्यों नहीं हो रहा और वो अरीना छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं। तो अब साबुको बताता है, थोड़ी देर पहले मुझ पे एक हमला हुआ था, पर उसे आप नहीं देख सकते, और अभी तक मेरे शरीर पे 6 हमले हो चुके हैं और अभी और एक हमला मुझ पे हुआ है। तुम्हारे बाजू में जो पर्सन खड़ा है उसने अभी तक मुझे 7 बार काट चुका है। वही तोकुगावा ये सुन के मुसाशी से पूछता है, आपने इसके साथ क्या किया। जिसपे मुसाशी कहता है, हाचीमोन जी। तो ये सुन के साबुको बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो तोकुगावा को बताता है, ये ऐसा वार है जिससे कि आप अपने सामने वाले विरोधी को अपने इमेजिनेशन से ही मार सकते हो। आप अपने सामने वाले विरोधी पे ऐसी जगहों पे वार करते हो जिससे कि वो एक ही बारी में खत्म हो जाए, इसे ही हाचीमोनजी कहते हैं। तो ये सुन के मुसाशी कहता है, हाँ तुम सही हो, और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि तुम भी मुझ पे हमला करना चाहते हो। और वही तोकुगावा भी मुसाशी की ये बातें सुन के हैरान हो रहा होता है। तो अब साबुको मुसाशी से कहता है, तुमने कहा कि तुम मुझे 7 बार काट चुके हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे हाथों में कोई भी तलवार नहीं है। जिसपे मुसाशी कहते हैं, हाँ मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन मैं उसके बिना भी लोगों को काट सकता हूँ। तो ये सुन के साबुको कहता है, तोकुगावा आपने कहा था कि ये मियामोटो मुसाशी है जो बिना किसी तलवार के भी लोगों को काट सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लगता है कि तुम झूठ कह रहे हो। तो अब वही हम देखते हैं कि मुसाशी साबुको से उसकी तलवार मांगता है, लेकिन साबुको उसे देने के लिए हिचकिचा रहा होता है। वही फिर तोकुगावा कहता है, साबुको मुसाशी को तुम अपनी तलवार दे दो, मैं भी उसकी तलवार की स्किल्स को देखना चाहता हूँ। अब आगे मुसाशी साबुको की तलवार को ले लेता है और उसे देख के कहता है, बहुत समय बाद मैं किसी तलवार को पकड़ रहा हूँ। फिर वही मुसाशी साबुको से उसके दूसरी तलवार भी मांगते हैं। अब इसके बाद हम मुसाशी को दोनों तलवार के साथ में देखते हैं। तो वही फिर तोकुगावा मुसाशी से कहते हैं, मुसाशी आप हमें क्या दिखाना चाहते हो। जिसपे मुसाशी कहते हैं, तो तुम दोनों मेरी टेक्निक को देखना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन मेरी तलवार से कटना चाहता है। वही मुसाशी की ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं कि मुसाशी उन दोनों में से किसी एक को काटने वाले हैं। पर वही मुसाशी हंसते हुए कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं किसी को भी नहीं काटने वाला हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुसाशी उन दोनों को अपनी एक टेक्निक दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। ये टेक्निक ऐसी होती है जिसे बस मुसाशी ने मास्टर किया होता है। हम देखते हैं कि मुसाशी दोनों तलवारों को पीछे कर लेता है,
जिसके बाद वो एकदम से उन्हें जमीन पे पटक देता है, जिससे कि वो दोनों तलवारें टूट जाती है, क्योंकि वो दोनों तलवारें मुसाशी की लेवल को मैच नहीं कर पाती है। तो अब मुसाशी उस तलवार को देख के कहता है, पहले मुझे लगा था कि यह तलवार असली है, लेकिन ये तो नकली निकली। क्या तुमने कभी भी इन तलवारों से किसी इंसान को मारा है? इन तलवारों से तो इतने सिंपल प्रैक्टिस भी नहीं झेली जा रही है। तो मुसाशी की ये बात सुन के सैबको को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बताता है, मैं इन्हें 60 सालों से यूज कर रहा हूँ और अभी तक इन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन तुमने इसे एक ही बारी में तोड़ दिया। तो मुसाशी सैबको से कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी तलवारें मेरे लेवल को मैच नहीं कर पाई, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अब वही मुसाशी तोकुगावा से कहता है, लगता है अभी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मुसाशी की ये बात सुनकर तोकुगावा कहता है, लगता है जापान को सबसे बड़ा फाइटर मिलने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।